कुछ है? अभी ये जो 68 बीपीएससी का रिजल्ट आया उसमें मुझे अभी सफलता मिली है। इससे पहले 67 बीपीएससी में भी मुझे सफलता मिली थी, तब मुझे 158 रैंक मिला था, बट इस बार मुझे 7th रैंक मिला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मेरे पूरे फैमिली के लिए। किस तरह से तैयारी किए थे, कहाँ रह कर किए हैं तैयारी? तो मैं अपना पहले जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उससे बताती हूँ कि मैंने अपना 12 तक का पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 गया, यहीं से की हूँ। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से की हूँ, जो कि मेरा 2020 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट की हूँ। और ग्रेजुएशन के बाद, कोविड के बाद, मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मैं ऑनलाइन कोचिंग ली थी यूपीएससी के लिए। और उसके बाद क्या हुआ था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी यूपीएससी का 2022 में, लेकिन प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। उसके बाद मेरा फोकस बीपीएससी पे हो गया और फिर बीपीएससी का जितना प्रिपरेशन था वो मैं खुद से की थी। प्रीलिम्स, मेंस का था, जो भी आंसर राइटिंग करना था वो मैं खुद से की थी। अपना कॉपी वगैरह जो भी इवेल्युएट करना था वो भी मैं खुद से ही की थी। तो इसमें कि कोचिंग तैयार होने की? हाँ, कोचिंग का मेरा जो रोल है वो ये था कि मेरा जो बेस था, जो मैं जब स्टार्ट की थी यूपीएससी के लिए, उस बेस को क्लियर करने के लिए मेरा कोचिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है स्टार्टिंग में। तो कोचिंग कहाँ गए किए थे? नहीं, कोचिंग मैं दिल्ली में ही की थी, लेकिन वो ऑनलाइन था। तो वही कितने घंटे तैयारी करते हैं? जब मैं स्टार्ट की थी पढ़ना उस टाइम पे डेली बेसिस पे 8-9 घंटे हो जाते थे, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना तो आप 10-12 घंटे मान लीजिए, इतना हो जाता है। तो आपको लगा कि हम 7वां रैंक लाएंगे या फिर टॉप 10 के अंदर में रहेंगे? नहीं, इस बार तो मतलब थोड़ा उम्मीद भी नहीं था कि लिस्ट में आया, क्योंकि मैं ना प्रेफरेंस बस 3 ही डाली थी कि अगर अंडर 15 आएगा तो आपको रैंक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। तो फिर लग नहीं रहा था कि मतलब सिंगल डिजिट में आ जाएगा, लेकिन अब आ गया है तब तो विश्वास करना ही पड़ेगा। पिताजी क्या करते हैं? पापा ये स्टेट गवर्नमेंट में टीचर ही है, लेकिन अभी हेडमास्टर के पोस्ट पे, ये गया में पुना कला परैया में हाई स्कूल के हेडमास्टर है वो। और जो श्रेय है सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले को देना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए एक ध्रुव तारा की तरह है। जब भी हमको लगता है कि मैं तो क्लूलेस फील करती हूँ, तो लगता है कि नहीं, वो कुछ डायरेक्शन आपको दिखाएंगे। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को अपना श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। मतलब उनका हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट रहा, और जो फेथ है, मतलब वो कब, जैसे अगर आप किसी को बाहर रखते हैं तो उनको थोड़ा डाउट भी होता है बच्चे पे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा मतलब फेथ उनका था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कर लेगी। तो मैं उनको देना चाहूँगी। उसके अलावा मेरे कुछ सेलेक्टेड फ्रेंड्स हैं जो बहुत मतलब कह सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले किए। और एक मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड है, वो तो मतलब मेरे फैमिली से भी बढ़कर है मेरे लिए। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब। शुरुआत पढ़ाई कैसे रही आपकी? शुरुआती से जो मेरा पढ़ाई वो हमेशा से अच्छा रहा है। मैं क्लास 10 में, मुझे 10 से GPA आया था, 12th में मेरा 90.2% था, और ग्रेजुएशन में मैं अपने बैच के टॉपर थी, और अभी मास्टर्स में भी मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट ही मार्क्स है, समझ लीजिए। तो मतलब किस स्कूल से शुरू किए थे? क्या किस स्कूल से शुरू हुआ पढ़ाई? मेरा केंद्रीय विद्यालय से ही चला है। मेरा क्लास 2 से 12 तक का पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से ही चला है। बस कहाँ से दिमाग में कहाँ आया कि हम UPSC करेंगे? कब से आया इसमें? हाँ, ये जो क्वेश्चन था कि आगे क्या करना है, ये चीज़ बहुत पहले मतलब मेरे दिमाग में आ चुका था, जब मैं क्लास 4 या 5 में थी। और ये इंस्पिरेशन न्यूज़पेपर से आया था, क्योंकि मैं ना उस टाइम भी न्यूज़पेपर देखा करती थी, मतलब एटलीस्ट हेडलाइन तो देख लेती थी घर पे, मतलब स्कूल के आने के बाद। तो जब देखती थी तो लगता था कि पता नहीं सोसाइटी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। और बस उस टाइम बस इतना पता था कि अगर आप UPSC करते हैं और DM बन जाते हैं तो आपके पास बहुत पावर होगा। तो वो चीज़ ना दिमाग में बैठ गया था, और तब से मतलब मैं डिसाइड कर ली थी कि बस इसी में आगे जाना है। और उसी हिसाब से अपना सारा कुछ प्लान की कि मतलब 10th के बाद PCM लूँगी, उसके बाद फिर ह्यूमैनिटीज से अपना ग्रेजुएशन करूँगी, उसके बाद प्रिपरेशन करूँगी, और उसी हिसाब से सब कुछ अपना मैं योजना बनाई, और आज सफल हुई। जो पोस्ट मिला सो खुश है या फिर और आगे बनना चाह रहे हैं? हाँ, जो अभी मिला है उससे मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा मतलब जो वो प्रयास है वो और आगे बढ़ने का जारी रहेगा। जितना भी मौका मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं इससे ऊपर जाऊँ। क्या कुछ बनना चाहेंगे आप? रहेगा कि हम इस लक्ष्य पर हम जाएंगे? सबका तो सबसे यही रहता है लक्ष्य कि आप एक बार UPSC में अच्छा रैंक लाकर IAS बन जाए, तो मेरा भी वही रहेगा। टाइमिंग कैसे निकालते थे 12 घंटा पढ़ने के लिए? हाँ, जब मेरा कॉलेज चल रहा था उस टाइम पे तो मैं नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन जब कॉलेज ख़त्म हो गया था तो मैं ओपन से मास्टर्स कर रही थी, तो मेरे पास टाइम था, तो उसी में मैं मैनेज कर लेती थी। जो भी थोड़ा में भी पढ़ते थे हाँ मतलब रात में उतना लेट नाइट नहीं, मेरा ये था कि आप पूरा दिन यूटिलाइज कर लो और रात में 12-1 बजे तक सो जाओ। ठीक, माँ क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है। जान करके बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो आप लोग को मेरा प्रणाम और धन्यवाद है कि आप लोगों ने नोटिस किया और हमारे घर पर आए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। कहा गया है कि श्लोक है संस्कृत में, पूत सपूत काधन संचय, पूत कपूत काधन संचय। तो हमारी बेटी जो है, बेटे के समान 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। तीनों बेटियों को मैंने स्वावलंबी बनाने के लिए ठान लिया था और तीनों बाहर में रह के पढ़ाई कर रही थी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से केंद्रीय विद्यालय 2 से 12 की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है ये ग्रेजुएशन की, अभी पीजी कर रही है आपको नालंदा ओपन से। तो हमने ये ठान रखा है कि इन सबों को जो है स्वावलंबी बनाना है और बेटी ने पूरे शिक्षक समाज को गौरव प्रदान किया है और मैं सभी शिक्षकों की ओर से सबका स्नेह और प्यार मिला है, तभी ये हो पाया है। आप सबों का प्यार मिला है, ऊपर वाले का प्यार मिला है। और कैसे जानकारी मिली आपको कि बेटी पास कर गई है? घर में ही रात में थे, बेटी यहीं आई हुई थी। अच्छा। तो नेट पर आ गया था, तो एक हमारी छोटी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने फ़ोन किया। फिर एक साधु का लड़का है, वो टीवी में न्यूज़ आ रहा था तो उसने बताया फ़ोन करके। अच्छा, तो कितनी खुशी लगी? यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संघर्ष तो करना पड़ा है सर, तपस्या करना पड़ा है। 5 साल बेटी को हमने जो है तपस्या करवाया है। हमारी वाइफ का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। वाइफ खुद नीलमकुमारी एम.एड की हुई हैं और उन्होंने सर्विस नहीं किया और बेटियों को जो है उन्होंने काउंसलिंग किया है, मोटिवेशन दिया है। प्रतिदिन बात करते थे वो रात में और बात करके मोटिवेट करते थे और कोई ज़्यादा कोई इशू होता था तब फिर हम बात करते थे। तो मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने तपस्या किया है और करवाया है बच्ची से। ये 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़ाई की है और कभी पढ़ाई के लिए हमको कहना नहीं पड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारी बच्चियों में। ये बड़ी बेटी है, ये मंजली है। अच्छा, ये बड़ी वाली बीएमएस डॉक्टर बन रही है, भोपाल में पढ़ाई कर रही है। और ये मंजली है, अंजलि प्रभा। और छोटी वाली मानसी प्रभा है, वो आपको कंप्यूटर साइंस से एआई स्पेशलाइजेशन है उसका, हल्दिया बीटेक कॉलेज से कर रही है। छोटी वाली भी आई हुई है। अब शिक्षक रिटायर हुए? मैं रिटायर नहीं हूँ सर, मैं +2 पूना कला परैया गया में मैं हेडमास्टर हूँ। इसके पहले मैं 10 साल ट्रेनिंग कॉलेजों में मैं टीचरों को ट्रेनिंग दिया हूँ और मेरे कम से कम 5000 स्टूडेंट जो हैं मेरे टीचर हैं मेरे पढ़ाए हुए, और कम से कम 500 जो है लेक्चरर होंगे हम मेरे पढ़ाए हुए। और इनकी पढ़ाई और आगे भी जारी रहेगा? क्या हाँ, जारी रहेगा। क्या कुछ सपना है आपका कि मेरी बेटी क्या बनेगी? बच्ची का रुचि जिसमें है वो चाह रही है यूपीएससी करने के लिए, तो मैंने कहा है कि आप जितना मेहनत करो मैं तुम्हारे साथ। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया डॉक्टर ब्रह्मचारी अजय कुमार। जी जी। संघर्ष आपने किया, अपनी बेटी को इतने पैदाल में पहुँचाया है, तो खुशी हो रही है। हर माँ बाप को अपने बच्चे से उम्मीद रहता है कि बच्चे अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप को खुशी होती है और ऊपर वाला का कृपा कहेगा। अब खुद एम.एड किए हुए हैं, नौकरी क्यों नहीं ली? बच्चे को पढ़ाने के लिए हम अपना त्याग कर दिए। तो आप मतलब कि ऑलरेडी पढ़ाते थे बच्चे को? बच्चे को हमको कहना नहीं पड़ता था, वो खुद से अपना करती थी, उनको दबाव नहीं देना पड़ा, को भरोसा था बच्चे का। अब कितनी खुशी है कि बेटी एक अधिकारी बन गई। हर माँ बाप को खुशी होती है। तो क्या अब क्या आगे को और कुछ देखना चाहेंगे कि मेरी बेटी यही रहेगी और आगे? नहीं, और आगे अच्छा है कि और आगे किसी के। तो कितना योगदान रहा आपका, खासकर जैसे बता रहे थे आपने परिश्रम किया आपने? हाँ, मेरा तो पूरा योगदान रहा। क्या नाम है? नीलम। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।